करो, फलाना करो, दिखाना करो, आप वहीं पर ज्वाइन करोगे? हाँ है ना, नहीं करोगे ना? तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज जो आती है मार्केट के अंदर, हमें बेचना क्या है, हम कौन सी स्किल बेचना चाहते हैं, कौन सी स्किल पे काम करना है, कौन सा पैरामीटर कच्चा है, कौन सा पैरामीटर पक्का है। तो ये जब हम बात सीख लेंगे, समझ लेंगे, तभी तो हम काम कर पाएंगे। हम शुरू से लेके एंड तक, बचपन से लेके एंड तक बस एक ही बात, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। क्या बनोगे बेटा? बड़े बेटा क्या बनोगे? डॉक्टर बनना। मैंने किताबें खरीदनी चालू कर दी, क्या बनोगे? डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर। यस गाइस, और डॉक्टर की एबीसीडी भी नहीं पता हमें। यस सुनो, यस हां है ना, पूरी लाइफ हमारी इसी में निकल जाती है। और एक वक्त हो जाता हमारी शादी हो जाती है, और जैसी शादी हुई फिर आ गया खर्चा, 15 से 20-25 हजार रुपए का महीने का खर्चा। अब क्या हुआ, जहां पर हम हैं, जिस कंडीशन में हैं मैं, वहीं पे मटक जाते हैं और उसे कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। ये सुनो, यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेमी स्किल्ड हैं, पूरी लाइफ वो सेमी स्किल्ड रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी अपनी स्किल पे काम ही नहीं कर पाते, जिंदगी भर वो क्या रह जाते हैं माय डियर? ये सुनो, यस हां है ना, यस। लोग कहते हैं तजुर्बा होना चाहिए, तजुर्बे का है, अगर सेमी स्किल्ड है तो उसकी मैक्सिमम पे कितनी है? 1500। ये सुनो, यस 2000 मान लो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यस कहीं से, मैक्सिमम 3000 मान लो, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता ना। यस कहीं से क्या होगा, ये उसकी एक लिमिट है ना, क्योंकि वो अपनी स्किल ज्यादा नहीं बेच पाएगा ना। हमें क्या बढ़ाना है, और जब हमें ये बढ़ाना है मार्केट में क्या बेचना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड वी हैव टू अंडरस्टैंड हमें बेचना क्या है। आज हम इंटरव्यूअर के पास जा रहे हैं, किसी बंदे के पास जा रहे हैं, तो हमें ये सोचना है हम बेचना क्या है, यहाँ पर क्या बताना है क्या इसको? हमें यही नहीं मालूम बताना क्या है। हम उसके सामने बैगिंग कर रहे हैं, भैया बस मुझे एक मौका दे दो, मैं इतना बहुत मेहनत करूंगा आपकी आपकी कंपनी को यहां से यहां उठा के ले जाऊंगा। कहता हमें जरूरत नहीं कंपनी की, हम बैगिंग कर रहे हैं। भैया वी आर नॉट द बैगर्स, वी आर बिजनेस मैन, हम पक्के बनिया हैं। बिल्कुल, हम क्या है मैडियर? बनिया। क्या है हम लोग मैडियर? बनिया। बनिया का मतलब समझते हो आप लोग? बनिया का मतलब बनिया, बनिए का मतलब क्या होता है? बनी। हमारे यहाँ पे कहावत होती है, मैं कहावत सुनाता हूँ आप लोगों को। और हमारे यहाँ पे ऐसे आपने देखा होगा कि जो लोग अच्छे बनिया होते हैं वो पूरी जिंदगी पर आराम से निकालते हैं। जैसे लोग हाँ है ना, और जो लोग थोड़ा लोअर कैटेगरी में होते हैं वो जिंदगी में परेशान रहते हैं। हाँ है ना, हमारे क्या सिखाते हैं देखो दादा, हमको क्या सिखाते हैं? हाँ बता रहा हूँ, यही स्किल में लागू होने वाला है, यही चीज स्किल में लागू करता हूँ मैं, गलत दिखने से आप। हमारे क्या सिखाते हैं कि भाई जैसे मान के चलो आपकी जॉब लगी, आपकी जॉब कितने की लगी? 10,000 रुपए। मैं छोटी सी बात लेकर चल रहा हूँ, क्लियर? तो बोलते हैं कि 10,000 रुपए जब पहले जॉब लगती है तो लोग क्या करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, ये करते हैं, इंजॉय करते हैं, क्लियर? हमारे मालूम क्या करते हैं, 10,000 रुपए जैसे ही आए बैंक में डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? बैंक में। हमें सिखाया गया ये चीज समझना पहले, थोड़ा गणित है लेकिन बहुत काम का गणित है। 10,000 रुपए आया, उन्हें क्या करना है? बैंक में डाल देते हैं। हमारे यहाँ पे अगर आप आग डालोगे तो पापा झापड़ देंगे, पैसे छुड़ा देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस गाइस, ये मेरा हुआ है। यस गाइस, वो बोले कि एक साल तक हमने बैंक में डाला, तो एक साल में कितना हो गया? कितना हो गया? एक साल। बोले कि 2-3 साल सेविंग करनी है दम से। 3 साल में ये रकम जो हो गई कितनी हो गई मैडम? 3,60,000। पैसा भी बढ़ेगा, आप बताओ खर्चे कहां से होंगे? खर्चों के लिए हम लोग अलग व्यवस्था कर लेते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट? यस यस, ये तो हम लोग सेविंग में ही करते हैं पूरे का पूरा। यानी ये 5,00,000 रुपए, यानी हम लोग एनी हाउ करके 3-3.5 साल के अंदर 5,00,000 रुपए कर दिया। अब 5,00,000 रुपए को हमने चला दिया ब्याज पर, कितना आएगा महीने का? 5,000। आर गेटिंग माय पॉइंट? कितना आया मैडम? 5,000। अब सैलरी जो मिल रही है फिर से वो सेविंग में जा रही है, और ये 5,000 रुपए महीना हम बिना किसी टेंशन के खर्च कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रही बात? आ रही समझ में? अब क्या हुआ, ये 5,000 रुपए लोग अब क्या कर रहे हैं? 5, ये अगले 3 साल के अंदर फिर से वहां बढ़ा, ये अमाउंट और बढ़ गया, कितना हो गया? 10,000। अब 10,000 रुपए पे हम लोग क्या कर रहे हैं? मजे कर 10,000 नहीं होगा, 7,000 होगा, 8,000 होगा, वो डिपेंड करेगा, एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ,
तीन चार साल पांच साल जो हमने थोड़ी कार्रवाई दिखाई और उसके लिए हम जिंदगी भर टेंशन फ्री होकर काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके मालूम क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि बेटा तुम्हें खिलाएगा ही नहीं खिलाएगा, हमारे पेरेंट्स हमसे मालूम क्या कहते हैं, तो अपनी चिंता कर ले हमारे छोड़ दे तो तेरे जैसे पांच को खिला देंगे। अपनी पहली सेल गई तीन चार साल दम से परेशान कर रहे हैं और जिंदगी भर परेशान रहते हैं। हम लोग चार साल पूरी कराई करी पांच साल कराई करी जिंदगी भर आराम। अब वो क्या हो रहा है, पैसा खा रहा है। यही स्किल से लोग एक स्किल सीखने के बाद शांत हो जाते हैं। स्टीव जॉब्स कहते थे स्टे हंग्री, और बढ़िया स्टे हंग्री, उनका मतलब पैसे से नहीं था, उनका मतलब था स्किल के लिए स्टे हंग्री रहो। हम लोग पैसे से सेटिस्फाइड नहीं रहो, वो क्या कहते थे बढ़िया हंग्री स्टिल स्टे हंग्री स्टे हंग्री, भूखे रहो किसके लिए रहो बढ़िया स्किल के लिए, किसके लिए रहो स्किल। एक स्किल आ गई ये नहीं अब क्या हो गया, आज सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो और देखो एम्पायर खड़ा कर दो। ये लड़का जो आपके सामने बोल रहा है आज कुछ टाइम पहले ये किसी के सामने बात तक नहीं कर पा रहा, लोग मेरे लिए ये कहा करते थे कि यार तुम ये सिखाते हो इज इट पॉसिबल, किसी के साथ से बात तक नहीं कर पाता था। आज मैं मैनेजमेंट की वो बातें करते हैं हम लोग कि जो लोगों के जीवन को बदला सकते। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस की बात है, किसकी बात है मैडम, हमारा फोकस कहां पर है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट दिस वे, तो अभी समझ में आ रहा है हमको क्या बेचना है, क्या बेचना है, किस पे काम करना है, किस पे काम करना है। अब स्किल्स कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, क्लियर मैडम। सबसे इंपॉर्टेंट बात माय डियर, जब हम बात करते हैं स्किल्स की माय डियर, स्किल ना छोटी होती हो ना बड़ी होती हो, लोग क्या कहते हैं अरे ये तो हर कोई कर लेता, नहीं भाई यहाँ पे हर कोई से मतलब नहीं है, इसे मैं सबसे अच्छा तरीके से कर लेता हूँ, दैट्स इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस श्योर माय डियर, यस पक्का माय डियर, यस माय डियर। अब मैं अपना नेक्स्ट स्टेप चालू करने से पहले आप लोगों के पास यहाँ पर जो चीज बताता हूँ माय डियर, एक लाइफ के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तीन लोग चाहिए मुझे, इसके बाद मैं आपको अगले ये है बंदर करना भाई एक अच्छा बंदर की क्वालिटी क्या होती है, बताओ बंदर की क्वालिटी क्या होती है बताइए, ये है मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है, इसकी क्वालिटी बताओ, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, जल्दी अपना और ये है हमारा और ये हमारी है कौन बताओ मैडिया, पंछी उड़ा तितली उड़ी, इसकी क्वालिटी है फ्लाई, क्या मैडिया ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है बंदर, ये कौन है बंदर, हुई थी बंदर का मीन्स मैडिया मंकी, मंकी मीन्स मैडिया, इसके पास कौन सी एबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी है, आवाज नहीं आ रही है, कौन सी एबिलिटी है, एक बार की बात है, तीनों लोग बैठे हुए थे उदास, कैसे बैठे हुए थे जब दिल ही टूट गया तो जी क्या करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैडियो वो कैसे बैठे हुए थे, बिल्कुल उदास, बिल्कुल उदास। मैं गया उनके पास, बंदर बंदर व्हाई आर यू सो सैड, व्हाई आर यू सो सैड, व्हाई आर यू सो सैड, कुछ मत पूछो भैया बड़ा परेशान हूँ, परेशान
क्यों क्यों परेशान क्यों परेशान क्यों क्या रीजन क्या है? मछली बड़ी खांसी डेड डर रही है पानी में आंसू निकल रहे हैं पता नहीं कितना सांप निकल गया उसके आंसू पानी जब पीया पता लगा नमकीन था पानी तो गला आंसू दे दिया कहीं कहीं बोली तुम क्यों उदास हो आई नहीं सोचता है बोले कि क्या करूं मैं उड़ नहीं पाती पेड़ों पर चढ़ नहीं पाती इसलिए मैं उदास अब मैं गया किसके पास इसके बाद पंछी के पास बर्ड के पास यस कहीं से मैं तुम क्यों उदास हो तुम तो बड़े मजे लेती हो बहुत बड़े तरीके से उड़ती हो यस कहीं से तो ये बोला बोली ये बोली हाँ वो तो ठीक है ऊंचाई से उड़ लेते हैं तो उससे क्या होता है उड़ने से लेकिन मैं पानी में कहाँ डुबकी लगा पाती हूँ कहाँ समुद्र की तह तक जा पाती हूँ और कहाँ मैं पेड़ों पे उछल कूद कर पाती हूँ ये सुनो yes. हाँ है ना yes. सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात माय डियर हम भी इन बंदरों की इन जानवरों की उदास हैं अनगेटिंग माय पॉइंट यस सर हां है ना yes. हम उदास क्यों हैं हम सैड क्यों हैं हम दूसरों की क्वालिटीज एक्वायर करना चाहते हैं हमारा फोकस हमारी क्वालिटीज में नहीं है अनगेटिंग माय पॉइंट ईश्वर ने हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ क्वालिटीज दी हैं ये उदास क्यों है क्योंकि ये अपनी उछल कूदने वाली क्वालिटीज को क्या कर रहा है अंडरस्टिमेट कर रहा है निग्लेक्ट कर रहा है आर गेटिंग पॉइंट ये उदास क्यों है आर गेटिंग ये उदास क्यों है आपको मालूम है ये स्पेस में डियर इंसानों में और जानवरों में क्या अंतर है उनके पास लिमिटेशन है हम अनलिमिटेड हैं हम क्या है माय डियर अनलिमिटेड क्या है माय डियर अनलिमिटेड सबसे पहले नो योरसेल्फ व्हाट यू आर आप क्या हो वो जानो पहले सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आप क्या हो और इसके बाद जब आप जान जाओ बिल्कुल उसको एंजॉय करने लगो तब अगर कोई सीखना चाहते हो तो सीख लो टेंशन हमारी प्रॉब्लम यही है जिंदगी भर अरे यार वो तो ठीक है मैं ये तो कर लेता से कभी कंप्यूटर ऑपरेट करने से मैं वो कहां कर पा रहा यार वो क्या पढ़ा तो लेता हूँ या पढ़ाने में क्या होता है तो कोई भी पढ़ा सकता है समझ में आ रही बात कहीं से लेकिन एक बार बताओ मैं डॉक्टर की तरह नबच के देख के पैसा कमा पाता हूँ लाइफ में सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज थैंक यू फॉर कमिंग लेट्स गो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में हमको ये देखना है कि हम क्या हैं व्हाट वी आर 85% लोग टेंशन में दिन भर टेंशन में रहते हैं क्या हमारे ये नहीं आता वो नहीं आता आपको ये नहीं आता इंटरव्यूअर ये नहीं पूछता आपको क्या नहीं आता इंटरव्यूअर ये पूछता आपको क्या आता क्या Yes, sir. Yes, sir. Yes. और जब हम इंटरव्यूअर को यही नहीं बता पाते हैं कि हमें क्या आता है हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है yes, sir, no? yes. हाँ है ना yes. इतने लोग बात को समझ पाते हैं आज आप लोग मेरे पास इसलिए आए हैं क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है मुझे साइंस नहीं आती मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता मुझे केमिस्ट्री भी नहीं आती मुझे फिजिक्स भी नहीं आती मुझे केवल अपना सब्जेक्ट आता है और मैं अपने सब्जेक्ट का मास्टर मैं अपने सब्जेक्ट का मास्टर हूँ आपको अपने सब्जेक्ट का मास्टर होना है किसी और के सब्जेक्ट का मास्टर नहीं और जिस दिन आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर हो जाएंगे आपको जिंदगी में कोई पछाड़ने वाला नहीं मिलेगा हमें रोकने वाला कोई और नहीं है हमें रोकने वाला कौन है एक बंदर से पूछा जाए उछलने कूदने के गुण बताओ वो बता सकता है इस एंगल से यहाँ से उछलोगे उस एंगल से वहां से उछलोगे यहाँ उछलोगे तो यहाँ पे उछलने के इस लाइन डाल से यहाँ पर थोड़ा झुको और वहां से मारो ऐसे कर दोगे हाँ या ना यस या ना यस अभी
मछली से पूछो समुद्र कितना गहरा है, अभी आप 200 मीटर पीछे जाओगे आपको ये मिलेगा, फलाना मिलेगा, ठिकाना मिलेगा, उल्टा मिलेगा, सीधा मिलेगा, उससे बता सकते हैं ना, हाँ है ना। अभी पंछी से पूछो कि आसमान में ऊपर जाओगे ऊपर से ऐसा दिखता है, दिखता है, दिखता है, वो सब कुछ डिस्क्राइब कर पाएगा नहीं कर पाएगा, हाँ है ना, हाँ है ना। जब आप अपनी क्वालिटी पे आ जाओगे तो आप भी अपने आप को डिस्क्राइब, क्या मछली बता सकती है, क्या मछली बता सकती है कि ऊपर से समुद्र आसमान से पृथ्वी कैसी दिखती है? अगर पूछा जाए उसका क्या होगा, दिखती है, अच्छी दिखती है, बहुत बढ़िया दिखती है, नीली दिखती है, एक मिनट में, हाँ है ना, एग्जैक्टली कौन बता सकता है, एग्जैक्टली कौन बता सकता है, एग्जैक्टली कौन बता सकता है, हमें कही हाँ है ना, कौन बता सकता है, श्योर। यदि समुद्र से उसे कहने में फिश से पूछा जाए, यस गाइस, कि समुद्र कितना गहरा है और नीचे गहराई पे 200 फीट नीचे आपको क्या मिलेगा, तो बता सकते हैं आप नीचे 200 फीट जाओगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, फलाना मिलेगा, ठिकाना मिलेगा, यस नो, हाँ है ना। तो अब हमें क्या होना है, अपनी स्किल्स पर भरोसा करना है और दूसरों की स्किल्स को एंजॉय करना है, यही लाइफ, अपनी स्किल्स पर भरोसा करना है और दूसरों की स्किल्स को एंजॉय करना है। आप एक्टर के पास जाते हो, मीडिया पिक्चर देख के आते हो, यस नो, हाँ है ना, क्या कहते हो, बहुत अच्छा था, यस नो, हाँ है ना, यस नो, आप ये तो नहीं कहते मैं एक्टर नहीं हूँ, कंपैरिजन तो नहीं करते हो, और जब तक आप कंपैरिजन करते रहोगे लाइफ के अंदर आपको परेशानी होगी नहीं। हमारी प्रॉब्लम मालूम है क्या है, इंडियंस पूरे भारत के पूरे विश्व में इंडियंस महान क्यों है मालूम है क्यों, हमारे जीन्स में, जीन्स है ना जो हमारे जीन, हमारे जीन में कुछ है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिया, आज नासा के अंदर देखो बहुत सारे साइंटिस्ट आपको इंडियंस मिलेंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट देखो माय डियर, यहां से उठा उठा के लेके जाते हैं लोगों को, हम मेहनती हैं भाई, मेहनत हमारे कोड में है, आप देखो बाहर कितने भी विदेशी लोग हैं वो काम नहीं कर पाते हैं क्या, हम लोग दिन भर काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, वहां पर 6 घंटे 7-8 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बाद घंटों काम करते हैं एक्स्ट्रा, ये सुनो, हमारे अंदर कैपेबिलिटी और एबिलिटी है, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है वो क्या माय डियर, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, हमें कंपेयर नहीं करना, हमें केवल अपनी स्किल्स को एनहांस करना है, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट एनहांसिंग योर स्किल्स माय डियर यू विल बी ग्रेट। कुछ नहीं करना, जो आप कर रहे हो ना उसको बेहतर तरीके से करो, बस वो तरीका आपके अलावा किसी और का नहीं होना चाहिए, अगर आप ऐसा कर पाए तो आप सुपर स्किल में चले जाओगे। आप लोग कैसे कर रहे हैं, आप ऐसे करोगे, दैट इज कॉल्ड माय डियर, आप थोड़ा हट गए स्किल, थोड़ा हट गए स्किल, और यदि आपने बिल्कुल एक नया तरीका उठा दिया डियर माय डियर, तो आप क्या हो जाओगे माय डियर, सुपर स्किल, क्या हो गए माय डियर, और जिस दिन आप सुपर स्किल हो गए आपका ये वाला ग्राफ भी अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगा। चीजों को बेहतर बनाओ, चीजों को केवल क्या बनाओ, बेहतर बनाओ, बस केवल बेहतर बनाओ, किसी और से कंपेयर मत करो, दूसरों की स्किल्स को एंजॉय करो, अगर पंछी उड़ रहा है देखो वाह यार कितना अच्छा लग रहा है, जिस कहीं से अब कंपेयर मत करो कि मैं नहीं क्यों नहीं उड़ पाटिंग, आपने अगर एमबीए चूज किया है तो एमबीए में बहुत स्कोप है, इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री में हर चीज का स्कोप होता है, स्कोप होते नहीं है, स्कोप बनाए जाते हैं। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज, कभी स्कोप नहीं हुआ है, स्कोप तो हमेशा बनाए जाते हैं, और जो इसको बना सकते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं मेडियर सुपर स्किल्स, क्या बोलते हैं मेडियर सुपर स्किल्स। धीरू भाई अंबानी एक बंदा जो पेट्रोल पंप पे काम करता था, क्लियर मेडियर, उसने स्किल्स डेवलप करी अपनी, इवेंट्स को बनाया उसने मेडियर, और आज हम रिलायंस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बोलते हैं। धोनी
नाम सुना है आप सभी लोगों ने ये कही थी, उसकी कहानी भी सुनी होगी, एमएस अनरोल्ड स्टोरी स्पेस मीडिया, उसने अपनी स्किल्स को डेवलप किया, तो इस लेवल तक डेवलप किया और रिस्क ली, क्लियर है, और क्या हुआ आपके सामने। बहुत सारे लोग मुझसे क्या बॉस बोलते हैं, क्या यार बंदे के अंदर टैलेंट तो बहुत है लेकिन बंदे को प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, ध्यान रखना, टैलेंट हमेशा और हमेशा यहाँ पर डिपेंड होता है। आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो दूसरों से हटकर हो। आप कहां चले जाओगे? अपने आप चले जाओगे सुपर स्किल में। कहां चले जाओगे? सुपर स्किल में। आप खुद तैयार नहीं हो इसलिए आपको लग रहा है कि अब मुझे आगे नहीं जाना। ये जो लड़ाई है केवल अपने आप की लड़ाई है, हमें केवल अपने आप से लड़ना है और इसके लिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। तो क्या आप अपने आप को जानने के लिए तैयार हो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? कुछ है क्या बोलो? मैं एक पर्सनलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर बनना चाहता हूं। आप क्या हुआ? रास्ते अपने आप खुल गए। लोग कहते हैं कंपनी में गए, अब कंपनी में पोस्ट होती है, क्या हुई मैडम? पोस्ट से उन्होंने बोला कि मैं रिसेप्शनिस्ट में आया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूं। इसका मींस मैडम, मेरे अंदर बेटर और अच्छे डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी और एबिलिटी डेवलप कर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। Yes or no? Yes. और जब वो डेवलप होगी तभी तो मैं आगे काम कर पाऊंगा। Yes or no? Yes. हाँ या ना? Yes. Yes or no? Yes. Sure? Yes. So that is the difference. और मैं कब काम पाऊंगा? जब मैं को कोचिंग पता होगी। लोग अपने आप में खुश कैसे रह लेते हैं? बड़ा अजीब सा प्रश्न। वो तब खुश रह पाएंगे जब उनको पता है कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है। जॉब तो बहुत आसान होती है, ध्यान रखना भाई, सबको जॉब मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो तो कोई नहीं सोएगा। एक चीज क्लियर हो गई आप लोगों को आज? ये जॉब तो सबको मिलेगी। ये सपने पूरे का मतलब ये पैसा नहीं होता, सपने पूरे का मतलब आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। विराट कोहली क्या है बताओ? स्किल, सेमी स्किल, सुपर स्किल? सुपर स्किल। क्या माय डियर? सुपर स्किल। सुपर स्किल। यस गाइस, हम बात कर रहे हैं सुपर स्किल। सुपर स्किल मतलब वो अपने आप लेवल पहुंच जाओगे, अपने आप पहुंचोगे माय डियर, अपने आप पहुंचोगे। ऐसी हजारों कहानियां है मेरे पास। खेल यहां का है, खेल कहां का है मैडम? खेल यहां का नहीं। आप जिस दिन सुपर स्किल लोगे अपने आप आपके पास कार आ जाएगी। अपने आप कार का होगी सर, जब आपके पास पैसा आएगा आप अपने आप खरीदोगे। यह सुनो, एक बंदा है जैसे जिंदगी भर सोचता है कार लेने के लिए, मैं जिंदगी में ले नहीं पाता। एक्स्ट्रा सोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, तो उसके पिताजी दो ढाई करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब केवल इसकी बात कर रहा हूँ। क्या वो अपनी स्किल से जिंदगी में कार खरीद सकता है? मकान खरीद सकता है? ये खरीद सकता है? ये खरीद सकता है? 20 बिल्कुल। जब हम बात करते हैं स्किल्स की, स्किल्स तीन प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है मैडम? तीन। पहली स्किल्स होती है इनेट। और बढ़िया, यस राइट। ये जो सेमिनार है, ऐसे सेमिनार आईआईएम के टॉप क्लास मैनेजमेंट स्कूल्स में हुआ करते हैं। जहां पर उनको बेस्ट लोग प्रोड्यूस करने होते हैं, जो दुनिया को सर्व करेगा। क्या करेंगे मैडम? यस राइट। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, बस ध्यान रखिएगा आप उनको समझें और इन पर काम करें। काम आपको करना है, रास्ते दिखा सकता हूँ लेकिन चलना आप ही को पड़ेगा। देखना अभी तक बातें समझ में आई सारी? यस सर। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको कई बार बताया है, थोड़ा ध्यान देना। जब हम बात करते हैं स्किल्स की, तीन स्किल्स होती है। पहली होती है इनेट। व्हाट वर्ड हियर? इनेट। व्हाट वर्ड हियर? इनेट। Innate qualities. What are your innate qualities? कौन सी quality बढ़िया? Innate. What are your innate qualities? ये वो qualities होती हैं जो आप में बचपन से हैं। कब से हैं? बचपन से। कुछ आदतें होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप में कल भी थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। Yes or no? Yes. ये अपने आप होती, automatic होती। जैसे honesty, ईमानदारी, punctuality,
हेल्पिंग अदर्स, क्यूरियोसिटी, डाउन टू अर्थ, एरोगेंस, कुछ लोग अहंकारी होते हैं, सुरुखी होते हैं, हाँ है ना, ऐसे लोग बाप के साथ बनते हैं, होते तो वो होते ही। अब जब हम बात करते हैं इनेट क्वालिटीज की, मैडम ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, कैसा बनता मैडम, आलसी बनता, सुरुखी आलसी होता है, हाँ है ना, यस एग्जैक्टली। इसके बाद ऑप्टिमिस्टिक, इजी गोइंग पर्सनैलिटी, तो ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी पूरी क्वालिटी। तो इनेट क्वालिटीज कौन सी क्वालिटीज है मैडम, कैसे नहीं कर पा रहे ऐसी क्वालिटीज को हम क्या बोलते हैं, जैसे हमें कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता था लेकिन हमने सीखा, सुनो साइकिल चलाना नहीं आती थी लेकिन सीखी, कुकिंग नहीं आती थी लेकिन सीखी, ये सुनो, हाँ है ना, यस कहीं से। जैसे इसमें और भी क्वालिटीज आपके आती हैं, जैसे मान के चले आपको रीडिंग करना, पढ़ना नहीं आता था लेकिन आपने सीखा, राइटिंग आपको नहीं आती थी लेकिन आपने सीखा, आर गेटिंग, हाँ है ना, ये कौन सी क्वालिटी है मैडम, आपको सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आते थे लेकिन आपने सीखे, फोटोग्राफी आपको नहीं आती थी लेकिन आपने सीखी, That is the meaning of acquired. That is the meaning of acquired. Clear हो रहे हैं? कितने लोग clear हो रहे हैं बात? समझ में आ रही है बात मीडिया? कौन सी मीडिया? Acquired. What मीडिया? Acquired. Acquired का means मीडिया जो आप effort लगा के सीख रहे हैं, जो आप कैसे सीख रहे हैं? Effort लगा के सीख रहे हैं। जो आप effort लगा के सीख रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं मीडिया? Acquired. What मीडिया? Acquired. Yes guys. और एक होती है transferable. Which one, my dear? Transferable. जो आप जब अपनी डेजिग्नेशन चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, तो जो एडजस्टमेंट आप करते हैं उनसे जो आपके अंदर जो गुण आते हैं, क्वालिटीज आते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांसफरेबल क्वालिटी। अब मैं समझाता हूँ कैसे। जब बंदा स्कूल से कॉलेज आता है, क्या आता है मैडम, स्कूल से कॉलेज। जब बंदा स्कूल से कॉलेज आता है तो वो बहुत कुछ एडजस्ट करके सीखता है, जैसे सीनियर से कैसे बात करनी है, अपना काम कैसे निकलवाना है, किसी को अवॉइड कैसे करना है, अर्गेटिंग, किसी से बिना पंगा लिए हुए बचना कैसे, राइट रॉन्ग, कितने लोगों ने सीखी है क्वालिटीज, सीखते हैं ना, ये भी क्वालिटीज होती है। आर यू गेटिंग व्हाट माय डियर, जैसे अपना काम कैसे निकलवाना है, जैसे सर से काम कैसे निकलवाना है, चार बातें प्यारी प्यारी बोल ली है, अरे सर आप ही अच्छी हो बस सर, ये भी क्वालिटीज है। इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर इंटरव्यू के दौरान जरूरत होती है लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर है, हम बताएंगे क्या, आर यू गेटिंग, कितनी क्वालिटीज निकल के आ रही है, पहली कौन सी सेकंड मेडियो थर्ड मेडियो ट्रांस। ये कौन सी क्वालिटीज है, वो है क्वालिटीज जो आप पोजीशन या डेजिग्नेशन चेंज करते हैं, जैसे कई लोग अपने शहर को छोड़कर